जबरदस्ती वो लड़का को अपने सीना पे हाथ रख रही है, जबरदस्ती। सोचिए हम पे क्या बीतेगा। ये देखिए माय लाइफ लाइन लिखती है। हाँ, कुछ दिन पहले मेरे लिए लिखती थी, कुछ दिन पहले आपके लिए लिखती थी, पर अब दूसरे के लिए लिखती। हाँ, ये शख्स के साथ धोखा हुआ है। धोखा इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि इसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो 65,000 रुपया लेके भाग गई है, साथ साथ सोना गहना चैन नींद सब लेके भाग गई। कहाँ भाग गई वो? कटिहार में है अभी। किसके साथ है? अब्दुल राजा उर्फ रोहित नाम है उसका। लड़की का क्या नाम है? लड़की का नाम मुस्कान कुमार है। वो लड़का मुस्लिम है। अच्छा। हम तो कोई हाल में उसके पास रहने नहीं देंगे। अच्छा। चाहे जो हो जाए, हमको जेल हो जाए। तो लड़की की मर्जी ना, वो किसी के साथ रह सकती है? लड़की की मर्जी कैसे, लड़का का कुछ मर्जी नहीं है ना। आपको पता नहीं कि वो किससे शादी की है, फिर आपके आपके संबंध में आई, फिर दूसरे लड़के के संबंध में? देखिए वीडियो दिखा रहा हूँ। ये जो शख्स आप देख रहे हैं, ये शख्स के साथ धोखा हुआ है। धोखा इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि इसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो 65,000 रुपया लेके भाग गई है, साथ साथ सोना गहना चैन नींद सब लेके भाग गई है। इन्हीं से जानते हैं कैसे जो लड़की है, लड़की का तस्वीर भी है। देखिए जो तस्वीर आप देख रहे होंगे, ये वही लड़की है जो ये इस शख्स का पैसा लेके भाग गई है। और देख सकते हैं बेचारा कितना परेशान है, गरीब है, गरीब का 65,000 रुपया लेके भागी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल कुमार हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? रामजी चक दीघा। दीघा के रहने वाले हैं। ये जो लड़की है कैसे पैसे लेके भाग गई आपका? वो उसका प्रॉब्लम था, मतलब पाइल्स हुआ था उसको, तो हमने कमा करके पैसा रखा था तो 20,000 रुपया फिर एडवांस उठाया, उसको पैसा दिया, बोला कि रख ले रहो वरना तुम वहाँ जाएगी। तब वो बोली कि यहाँ पर इलाज सही से नहीं होता, नया जगह, यहाँ कोई करने वाला नहीं है, कि वहाँ चलो गाँव जाएंगे तो फुआ के यहाँ रहेंगे, वहाँ पर फुआ हमको करेगी। रिकॉर्डिंग भी है फुआ का उसका। हाँ, देखिए वीडियो है। लड़की के संपर्क में कैसे आए थे आप? वो मिली थी हमको दानापुर में। दानापुर में मिली थी? कहाँ मिली थी? दानापुर में निचल की रोड में। तो वो कहाँ मिले थे, काम कर रहे थे, कैसे मिली थी, पढ़ाई कर रहे थे? रास्ता से जा रहे थे तो मिली थी, रास्ता चलते चलते मिल गई। हाँ, रास्ता बात आई थी, हम भी मार्केट आए थे। बात आगे कैसे बढ़ी? बात वही, वो नंबर दी, हम नंबर दिए तो वो भी ले ली, कॉल की। हाँ, एक दुकान में गए, बाजार में आप लोग मिले। हाँ, और फिर नंबर लेन देन की। हाँ, उसका बात बढ़ी आगे। हाँ, उसके बाद वो लड़की हमको पता ना क्या की ना की, हमको बाहर चले गए, वहाँ गए कमाने लगे। देखिए मेरा हाथ उस सब कटा हुआ है, देखिए देखिए देखिए, मैं सब हाथ उस सब वहाँ काम करता था, नाइट ड्यूटी 12 घंटा करता था, कभी काम करता नहीं था, पढ़ने लिखने के 12 घंटा उसी लड़की के लिए करता। हाँ, कि मैं अपना जिंदगी बसाने के लिए, कि उसको अच्छा से रखूँ ताकि वो दूसरे के पास ना जाए, मेरा इज्जत ना जाए, क्योंकि वो मेरे पास आई है। अब वो लड़की मेरे साथ ऐसा करके चली गई। देखिए कब छोड़ के गई? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वो कब छोड़ के गई वो लड़की। वो तो उधर से आई थी शायद 18 को, हाँ 17 या 18 को ऐसी, वहाँ से ट्रेन हम पकड़ाए थे उसको बनिया से। कहाँ से पकड़वाए थे? सूरत से। सूरत में थी? अच्छा, सूरत से उसको ट्रेन पकड़वाएं, पकड़वाने के बाद उसको पैसा दे दिए, खरीद के खाने वाला दे दिए, सब चीज़ दे दिए, टीटी से फाइन करवा दिए, टिकट नहीं मिल रहा था तो उसको पैसा बोल दिए कि अच्छा से ढंग से रखे रहना। वो यहाँ आई थी, देखिए अभी आधार कार्ड भी नया है, देखिए लड़की का आधार। हाँ हाँ, ये लड़की का आधार कार्ड है। चलिए हाँ, आगे अभी नया है वो आई, निकलवाई, अकाउंट खुलवाना था, अकाउंट खुलवा करके वहाँ पर उसको पैसा रखना था क्योंकि उसको ऑपरेशन करवाना था, ऑपरेशन करवाना था। हमको क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा, पाइल्स का ऑपरेशन करवा। हाँ, पाइल्स का ऑपरेशन करवाना था। कहाँ भाग गई हो? वो कटिहार में है अभी। किसके साथ है? अब्दुल राजा उर्फ रोहित नाम है उसका। लड़की का क्या नाम है? लड़की का नाम मुस्कान कुमारी। वो अभी एक अब्दुल राजा नाम के युवक के साथ में रह रही है। कहाँ रह रही है? कटिहार में। आपको छोड़ दी? हाँ, हमको छोड़ दी तब तो चली गई, तो मेरे पास नहीं रहती। अगर नहीं छोड़ती तो मेरे पास रहती ना, छोड़ दी तब तो चली गई। जब छोड़ के गई तो आप फ़ोन नहीं किए कि मेरा पैसा दो वापस? फ़ोन वो उसकी माँ, उसके नंबर पे, लड़का का नंबर पे कॉल किए हैं हम कि लो उसकी माँ बात करेगी, तो वो उसकी माँ बोली कि पहुँचा दे बुआ, तो वो लड़का बोल रहा है कि आप आ करके ले जाइए उसको, उसके गार्जियन के सामने खड़ा किया जाए, सबको खड़ा किया जाए, हमको भी खड़ा किया जाए, सबको खड़ा किया जाए कि ऐसे क्यों की काहे। तो फ़ोटो में तो शादीशुदा दिख रही है। हाँ, हमको धोखा में रखी, हमको क्या पता था। किसे शादी की है वो? हाँ, किससे शादी की है? अब हमको क्या पता कि किससे की है ना की। आपको पता नहीं कि वो किससे शादी की है, फिर आपके आपके संबंध में आई। हाँ, फिर दूसरे लड़के के संबंध में। देखिए वीडियो दिखा रहा हूँ।
पता नहीं वो लड़की का वही काम है या क्या काम है, दिखा रहा हूँ। लड़की कहाँ के रहने वाली है? नथुपुर का। नथुपुर पटना? हाँ, नथुपुर बेऊर के पास है, वहाँ वहीं के रहने वाली है। हाँ देखिए, वो लड़का देखिए, वो ज़बरदस्ती वो लड़का को अपने सीना पे हाथ रख रही है ज़बरदस्ती। सोचिए हम पे क्या बीतेगा। उसके चक्कर में 12 घंटा ड्यूटी करते थे। और वीडियो दिखाते हैं, ये देखिए। यही लड़का है, कटिहार का है। ये देखिए, माई लाइफ लाइन लिखती है। हाँ, कुछ दिन पहले मेरे लिए लिखती थी, कुछ दिन पहले आपके लिए लिखती थी, पर अब दूसरे के लिए लिखती। हाँ देखिए, इंस्टाग्राम पे उसका आईडी दिखाते हैं। थोड़ी इंस्टा आईडी मत दिखाइए, ठीक है? अब क्या करेंगे? अब तो लड़की छोड़ कर चली गई, आपको बहुत प्यार किए थे आप शायद। किस टाइप का संबंध था आपका उसके साथ? वही सोचे कि चलो भाई, हम गर्लफ्रेंड वाला रिश्ता होता है, गर्लफ्रेंड वाला रिश्ता होता है, पति पत्नी वाला रिश्ता होता है, कैसा रिश्ता था आपका? हम सोचे कि जो हुआ सो हुआ, हम लोग से गलती हुई या इज्जत खराब हुआ, उसके बाद अपना मतलब अलग हट करके माँ बाप के पास ना जा करके कमा करके खा करके अपना उधर ही रहेंगे, यहाँ आएंगे तो सब लोग ताना मारेंगे बोलेंगे, इसी के वजह से सोचे हम कि चलो भाई वहीं उधर ही रहेंगे अपना उधर में रहें। हाँ देखिए, कहानी मैं शुरू से सुनाता हूँ। ये जो कहानी है एक लड़का लड़की की है, जो बाजार में चलते फिरते मिल जाते हैं, नंबर एक्सचेंज करते हैं, फिर बात होना स्टार्ट होती है, और फिर लड़का लड़की के प्यार में आ जाता है, लड़का चला जाता है सूरत कमाने के लिए, कुछ दिन बाद लड़की भी जाती है वहाँ पे। नहीं, साथ में गई है। साथ में गई थी? हाँ, साथ कहने पर हम गए थे। अच्छा, वो कही थी चलो कमाने के लिए, तब आप गए थे? हाँ। तो देखिए, दोनों साथ में जाते हैं कमाने के लिए सूरत में, और अचानक लड़की इनको छोड़ कर चली जाती है। साथ में 65,000 रुपया जो इनका कमाए थे बहुत मेहनत के साथ में, वो भी लेके भाग गई है। देख सकते हैं कितना बेचैन परेशान है, क्योंकि जो जिससे ये प्यार करते थे वो कहीं ना कहीं इनको धोखा दी है। और भी लोग बहुत प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा लड़की पे विश्वास करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए कहना चाहते हैं कि लड़की पे कभी विश्वास करना ही नहीं चाहिए। नहीं करना चाहिए? नहीं, हमको प्यार नहीं था सब लड़की एक जैसी नहीं होती है ना। हाँ, वो ठीक है, वो ठीक है, हमको उतना कुछ नहीं करना है, बस यही कहना है कि वो लड़की को देखिए, हम कीपैड फ़ोन रखते थे, देखिए। अच्छा। कीपैड, मेरे पास पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, सब लेके चली आई थी, सब कुछ उसको दे करके भेज देते। देखिए, मेरा दोस्त फ़ोन दिया, ये मेरा दोस्त फ़ोन दिया। ये जो लड़की बेचारे देख रहे हैं आप, इसका डिस्प्ले फ़ोटो लगाए हुए हैं, वही उसी का फ़ोन है, लड़की का फ़ोन है, उसी को हम खरीद करके फ़ोन दिए थे, सेकेंड हैंड फ़ोन दिए थे उसको। हाँ, एक फ़ोन 4G 20,000 का फ़ोन। अच्छा, फोड़ दी, उसके बाद दोबारा फ़ोन दिया? हाँ, उसके बाद खरीद के दिए। एक आपके पास कैसे आ गया है फोन उस लड़की का? वो उसके फुआ, इसका पैटर्न भी नहीं पता था हमको, उसकी फुआ हमको व्हाट्सएप की। हाँ। कि ऐसे पैटर्न है, वही लड़का का नाम का ए नाम का। हाँ। उसका पैटर्न था। अच्छा। तो हमने खोला देखा, तब जा कर के फ़ोन हम अपने दोस्त के पास रखवा दिए थे। वो सामान वामान भी अभी है, बोलिएगा तो दिखा देंगे। उसका कपड़ा, वो अपनी माँ से मिलने गई थी सामान वान, कपड़ा उपड़ा, वो फिर रिटर्न आने वाली थी। आप दोनों के साथ में कोई तस्वीर है? हाँ है, दिखाइए। जो प्यार करते हैं सावधान हो जाए, क्योंकि आपके साथ भी ये घटना हो सकती है। कलयुगी लड़की जो है आपको भी चूना लगा सकती है, जैसे इस बेचारे भाई साहब के साथ हुआ है। इनकी आँखों का दर्द बता रहा है कि कितना दर्द है, चैन इनका जो है, नींद सब लेके भाग गई हो, और अभी वो दूसरे लड़का के साथ में है जिसका नाम अब्दुल रजा है, जो कटिहार में दोनों साथ में रह रहे हैं। ये है। दिखाइए थोड़ा सा हमको, देखिए बहुत है। देखिए कितना प्यार में दिख रहे हैं दोनों। आप लोग शादी किए थे? नहीं, हम बोल रहे थे उसको, तो वो कर ही नहीं रही थी। तो सिंदूर क्यों लगाई है वो? पता नहीं, पहले से की होगी। आप पूछते नहीं थे कि सिंदूर क्यों लगाई हो? वो तो बोलती वो तो बोलती थी उसकी माँ के सामने हम सिंदूर कर दिए थे उसके घर पे। अच्छा, तो बोलती थी कि आप ही के लिए लगाते हैं। बोली थी आपके लिए लगाते? हाँ। आप किसके लिए लगा रही है? अब पता ना, वो लड़का मुस्लिम है। अच्छा। हम तो कोई हाल में उसके पास रहने नहीं देंगे। अच्छा। चाहे जो हो जाए, हमको जेल हो जाए। तो लड़की की मर्जी ना, वो किसी के साथ रह सकती है? लड़की की मर्जी कैसे, लड़का का कुछ मर्जी नहीं, लड़की का बहुत मर्जी। हाँ, ये धोखा दी कि आपका पैसा लेके भाग गई। ठीक है, वो पैसा लेके भाग गई, वो अपने गार्जियन के पास जाए, वो अपने गार्जियन के पास रहे, मेरे पास भी मत रहे, मैं उसको दूंगा कमा करके, लेकिन इज्जत से अपने घर पे रहे। आगे क्या करेंगे आप? आगे हम जा करके FIR करेंगे, नहीं होगा तो हम आप लोग तो
इतना टाइम हो गया आप कटिहार जा भी नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी किसी तरह जाऊंगा, जैसे हो। अभी घर तो जाने लायक हूँ नहीं, मैंने कल ट्रेन से उतरा, अभी तक घर भी नहीं गया, देखिए कुछ खाए भी नहीं, कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए, स्टेशन पर रात भर रुके। उसके बाद हम सोचे कि सुबह होगा तो 12:40 में जाएंगे, FIR करेंगे। देखिए लड़की को खड़ा किया जाए उसके गार्जियन के सामने, वो लड़का को भी, कि वो उसके पास हम नहीं रहने देंगे, चाहे जो हो जाए वो लड़का के पास। अपना नाम क्या बताया था? कौन आप? हम विशाल कुमार। ये विशाल जी हैं और इंसाफ का गुहार लगा रहे हैं। गुहार इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इनकी जो गर्लफ्रेंड थी, इनकी एक तरह से कहा जाए वाइफ, होने वाली वाइफ थी, वो इनको धोखा दे के चली गई है और वो दूसरे लड़के के साथ है। बहरहाल इनका 65,000 रुपये लेके भागी है वो, उसी के तलाश में है ये और थाना का चक्कर लगा रहे हैं। इस खबर को जितना हो सके शेयर कीजिए और उस लड़की तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। आपका बहुत बहुत